मोदी सरकार जब से आई है आपके हमारे देश की व्यवस्था बहुत सुधरी है और आने वाले में भी सुधरने वाली है। माहौल देखिए निरहुआ को तो जितना ही है, उसमें कोई काट नहीं सकता। नहीं, हम लोग तो निरहुआ को देंगे भाई, क्योंकि विकास का मुद्दा उसका ठीक है। निरहुआ के आने के बाद में आजमगढ़ में थोड़ा विकास हुआ, इससे पहले कोई विकास नहीं। जो अखिलेश आए हैं तो भाई बिरादरी लेके चलते हैं, वो पूरा परिवार के लेके चलते थे मुलायम यादव, वो अच्छा आदमी थे। तो कुछ दिन ही पहले अभी ये मारपीट लड़ाई झगड़ा छिनैती चोरी डकैती ये सब कुछ ही दिन पहले अभी बंद हुआ है बीजेपी के आने के बाद ही। नमस्कार, द न्यूज़ 15 में आपका स्वागत है। हम चुनावी पड़ताल लेकर पहुंच चुके हैं आजमगढ़। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की बेहद महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है, क्योंकि यहां से जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो यादव परिवार यानी अखिलेश यादव के परिवार से ही हैं, यानी कि धर्मेंद्र यादव हैं। और दूसरी ओर अगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार देखा जाए तो दिनेश लाल उर्फ निरहुआ हैं। इसलिए सीट महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि दिनेश लाल उर्फ निरहुआ कई बार अखिलेश यादव को चैलेंज दे चुके हैं और इस समय सिटिंग सांसद भी हैं। उन्होंने कुछ दिनों पहले कहा था अखिलेश यादव में अगर हिम्मत हो तो यहां आएं और चुनाव लड़कर दिखाएं। हालांकि अखिलेश यादव की पार्टी की ओर से उनके भाई धर्मेंद्र यादव को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया। अब देखना यह है कि आने वाले चुनाव में किसका पलड़ा भारी होता है। ये सीट जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अक्सर इसे मुस्लिम बाहुल्य और यादव बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर अक्सर इसे समाजवादी पार्टी का गढ़ भी कहा जाता है और गढ़ इसलिए क्योंकि इसी सीट से मुलायम सिंह यादव भी सांसद चुन करके आ चुके हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी 1989 के बाद से कई बार यहाँ से अपने सांसद बना चुकी है। दूसरी ओर देखा जाए तो निरहुआ जो है अक्सर अखिलेश यादव को चैलेंज करते हुए नजर आए हैं। हालांकि ये माना जा रहा था कि अखिलेश यादव दोबारा इस सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो पीछे हो गए और उन्होंने अपने भाई धर्मेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया। अब यहाँ की राजनीति क्या है, यहाँ पर माहौल कितना गर्म है, यहाँ पे रेलवे स्टेशन के बाहर हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे माहौल क्या चल रहा है। साहब क्या नाम हुआ आपका? अरे आप ही बता दीजिए क्या नाम। हमारा नाम इंद्रदीप सिंह है। इंद्रदीप सिंह जी, सिंह साहब क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर चुनावी माहौल? निरहुआ को चल रहा है, हाँ वो 2.5 साल में जो कार्य कर दिया वो सब उतना दिन में कोई नहीं किया ना, झाग एक बार जीतने के बाद कोई नहीं आता है यहाँ पे। हाँ हुआ कितनी बार? हाँ निरहुआ 2.5 साल उसका चुनाव 1.5 साल जो हुआ वो पूरा आजमगढ़ में रहा है वो, हाँ पूरा कंटिन्यू आजमगढ़ में रहा है, कहीं बाहर नहीं गया। कुछ बताइए कि निरहुआ ने क्या काम किया जो पहले नहीं हुआ था? बहुत काम हुआ, दुर्गा विधायक 9 साल से विधायक थे, अपने गाँव का रोड नहीं बना पाए, जो रोड मेन हाईवे जो काली चौरा गए हैं वो भी रोड नहीं बनवा पाए, वो निरहुआ के राज में बना है। हाँ। निरहुआ हमेशा ये कहते रहे हैं कि अखिलेश यादव की हिम्मत हो तो इस सीट से चुनाव लड़कर दिखाएं। क्यों नहीं आए? नहीं आए। हाँ। उनको शंका, लेकिन शंका था। अच्छा, शंका था। क्या नाम हुआ? प्रिंस चौबे। प्रिंस चौबे साहब, यहाँ पर कहा जाता है कि मुस्लिम और यादवों का गढ़ है ना, और हमेशा कहा जाता है कुछ भी हो जाए समाजवादी पार्टी जीत जाती है, ऐसा क्या हो गया कि आप लोग कह रहे? जी गढ़ करते हुए गढ़ ही बना दिए थे, स्टेशन ही देख लीजिए वही बनवा रहे हैं, आप यहीं की देख लीजिए, यहीं खड़े हैं तो स्टेशन ही देख लीजिए, पहला परिणाम है कि बन रहा है। और गाड़ियाँ, और आजकल गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं इस रूट से आजमगढ़ से आने जाने में, देख लीजिए आप ही, साक्षात आपके सामने रिजल्ट है। आप कहने का मतलब है कि जब अखिलेश यादव का ये यादव परिवार का दौर था तब यहाँ पर कुछ काम नहीं? जी कुछ नहीं हुआ, और आजकल लोग जातियाँ करें, जातियाँ कुछ नहीं है, सब फिर से नीरव भैया आएंगे, देखिएगा। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार गौर। संतोष कुमार जी, कुछ बताइए यहाँ पर निरहुआ ने क्या काम कराया, और जब इस बार जब वोट देने जाएंगे तो आपके दिमाग में आपके जहन में क्या मुद्दा होगा कि भाई इस वजह से हम निरहुआ को या धर्मेंद्र यादव को वोट दें? नहीं, हम लोग तो निरहुआ को देंगे भाई, क्योंकि विकास का मुद्दा उसका ठीक है जी, क्योंकि वो रेलवे का काम इधर चला फिर ये चला, फिर जितने शहर के सब रोड थे बहुत टूटे थे, हमने विधायक जी को बहुत बार देखा, अरे 5-6 दाई विधायक थे, मंत्री थे, अगर वो चाहे होते तो हमारा आजमगढ़ तरक्की करता, बाकी इनके मन भावना नहीं ठीक थी। निरहुआ ठीक है, निरहुआ जाएगा, वो ले जाएगा। हाँ ले जाएगा। हाँ क्या है आप? कि हम रिक्शा चलाते हैं, मेरा ऑटो रिक्शा है जी। तो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, दिन में कितना कमा लेते हैं अगर आपसे? हम कोका भी 500 हो जाता है, कभी 400 भी हो जाता है, कभी 7 दे देता है तो 1000 भी हो जाता है। पहले के हिसाब से बेहतर है? बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। गुंडा रास्ता बंद हो गए, कितने लोग कहां से कहां चले गए, ठीक है, सब बढ़िया है। गुंडा रंगबाजी बंद हो गई?
हाँ बंद हो गई, कोई नहीं, नहीं स्टेशन पर तो वो तो भरने नहीं देते थे, अपना टेम्पू रंगबाज लोग अपना टेम्पू भरते थे, पहले नहीं भरने देते थे, हम चलाएंगे, हम यहाँ का लोकल हैं। चाचा क्या नाम है? हमारा राम आसरे नाम है। क्या करते हैं आप? हम तो काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं। कितना लेबर मिल जाता है आपको एक दिन में? लेबर का कितना मिल जाता है, 400-500। घर बार चल जाता? घर बार क्या चलता है, इसने में थोड़ी घर बार चलता है। तो आप जब कुछ दिनों पहले वोट दिए होंगे 2019 में, यहाँ से अखिलेश यादव जीत करके आए, फिर सीट छोड़ करके चले गए, उसके बाद निरहुआ यहाँ से आए, उनके आने के बाद कुछ आपको सुविधा बढ़ी या पहले ही जैसे सब कुछ? देखिए निरहुआ के आने के बाद में आजमगढ़ में थोड़ा विकास दिख रहा है, इसके पहले कोई विकास नहीं था, अब कुछ विकास दिख रहा है। कुछ कुछ क्या है, अब समझ लीजिए कि 30% विकास तो अभी इतने दिन में ही है, 2.5 साल के अंदर में ही 30% विकास दिख रहा है। अब आगे जो रहेंगे तो आगे भी कर सकते हैं, 60% हो जाएगा, 70% हो जाएगा, लेकिन यहाँ विकास कुछ हुआ है। जैसे कुछ विकास के बारे में अगर आपसे पूछें कि क्या हुआ है, कुछ आप गिना सकें, सड़क को लेकर के, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, शिक्षा को लेकर के, अगर आप कुछ जितना आप बोले हैं उतने में सबके लिए सब सही है। लेकिन हम लोग तो घूम करके आए तो सड़कें उतनी बेहतर नहीं बनी है। देखिए सड़कें हमारे, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में सड़क तो बन गई है। बिलरियागंज क्षेत्र का जो सड़क थी कि आज पूरी ज़िंदगी बीत गई, कभी सड़क वो बनी नहीं, लेकिन इस वक्त अगर जा करके देखेंगे तो आजमगढ़ से रौना पार तलक आपको सड़क एकदम क्लियर दिखाई दे, विकास तो हम देख रहे हैं। बाकी और थोड़ा मोड़ा जो भी काम आता है, स्कूलों का हो गया, रोड का हो गया, और सब चीज़ों की सुविधाएं जो हैं थोड़ा थोड़ा मिल रही हैं, आगे शायद ऐसा अगर रहे तो आगे और भी मिल सकती हैं। क्या नाम हुआ आप? मेरा नाम विसर्जन जो है। नाम बताए? विसर्जन। विसर्जन, क्या सुंदर नाम है आपका। तो विसर्जन जी, अगर आपसे पूछें कि यहाँ माहौल क्या चल रहा है आजमगढ़ में, आप क्या बताएंगे? क्योंकि एक तरफ यादव परिवार का गढ़ है, यानी कि अखिलेश यादव के परिवार का मामला है कि उधर धर्मेंद्र यादव एक तरफ उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ जो आपके मौजूदा सांसद हैं निरहुआ एक वो हैं, क्या लग रहा है, वो क्या माहौल चल रहा है जो आप देख पा रहे हैं? देखिए जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिलहाल तो हम अभी आए हैं दिल्ली से, यहाँ हम रहते नहीं हैं तो यहाँ का ज़्यादा नहीं पता हमको, दिल्ली में रहते तो दिल्ली का पता है, ठीक है ना। लेकिन जब से अब मोदी सरकार आया है यहाँ पे, आपके देश के हित में काम हुआ है, हर एक क्षेत्र में काम हुआ है, महिलाओं के क्षेत्र में भी और विकास में भी आपका क्षेत्र हुआ, और मोदी जी ने यातायात के लिए भी रेलवे के भी झंडियाँ दी हैं उन्होंने, अच्छा का। मोदी सरकार जब से आई है आपके हमारे देश की व्यवस्था बहुत सुधरी है और आने वाले में भी सुधरने वाली है, क्योंकि इससे पहले जो भी सरकारें थी वो इतना ध्यान नहीं दे रही थी अपने देश के प्रति। आज हमारा देश तरक्की कर रहे हैं तो मोदी सरकार की वजह से कर रहे हैं, मोदी सरकार देश को आगे लेके जा रहे हैं, हर जनता की सुविधा को देख रहे हैं, छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक सबकी पहचान कर रहे हैं, और हर कार्य क्षमता को देखते हुए वो सबको कार्य दे रहे हैं। वो जिस देश के लिए हम जीते हैं, हमारे देश के लिए जो काम करेगी, जो पार्टी काम करे, मोदी हो, कांग्रेस हो, जनता दल हो, कोई भी हो, अदरवाइज लालू हो, देश के हित में जो पार्टी काम करेगी हम देश के हित में वोट डालेंगे। और हमारा मत है, मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा देशवासियों को कि मोदी सरकार हमारे देश का भविष्य है, क्योंकि इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं हमारे हिंदुत्व को लेके, देश के प्रति लेके इतने जागरूक नहीं हो, ना देश की तरक्की की है, तो इन्होंने काम, तो मैं यही कहूँगा कि मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार को आप वोट दें, बीजेपी को जिताएं। कैंडिडेट कोई भी लड़ रहा हो, केंद्र सरकार, सांसद का जो चुनाव होता है उसके हिसाब से उसका चयन होता है, तो हमारा सांसद चुना जाए, बीजेपी को जिताया जाए और फिर दोबारा मोदी सरकार को देश में लाया जाए, ताकि देश की सुरक्षा व्यवस्था अच्छी हो सके, यही कहना चाहूँगा। शुक्रिया। हम गाड़ी चलाते हैं। क्या नाम हुआ? पन्ना लाल। पन्ना लाल जी बताइए, क्या कमा लेते हैं दिन में, कितना कमाई हो जाती है? जब से लॉकडाउन है तब से खुराकी निकालना मुश्किल हो जाता है, हाँ स्थिति वो है। अब की सरकार ATM से गड़बड़ नहीं होगा, अब की सरकार बदलेगी हर हालत में। ATM नहीं, EVM। EVM हट जाएगा, बिल्ली पेपर से होगा, अब की सरकार बदल जाएगी, हाँ ये पूरा है।
बेईमानी नहीं हुआ, अब की सरकार बदलेगी हर कीमत में। रहे हो कि जो सरकार ये बन रही है, जो निरहुआ जीते थे वो ईवीएम में गड़बड़ी की वजह जीते? गड़बड़ी हर जगह देख रहे हैं, बनारस में पकड़ाया था, हर जगह पकड़ाया था, ये राज में एकदम छिपा गया। एटीएम गड़बड़ नहीं रहता था, जीत के देखा मैं बिल पेपर से। अब की सरकार बदलेगी हर कीमत में, कहीं हो गया पेपर से। तो कहते हैं कि अगर उससे बैलेट पेपर से कराएंगे तो बूथ कैप्चर हो जाता, सब उठा ले जाता पर्चा का। नहीं, खाली बेवकूफ़ बनाने बदे हो रहा है। बिल्कुल पेपर जनता चिल्ला रही काहे ना करा रहे हैं, ये खाली बेवकूफ़ बनाने के लिए हो रहा है। हाँ, ये बेवकूफ़। और गुंडागरी थी कहाँ कम हुआ है? गुंडागरी तो बढ़िया है, जो नहीं कुछ नहीं हुई है। अंदरा कांड में हुआ था कांड, हैं, जिसको लाश जराना चाहिए वो जरा नहीं रहा था। आप पुलिस लोग जाके लाश जला रहे थे, आप के घर का मरेंगे आप जलाएंगे रे, दूसरा कैसे जलाएगा? कहाँ गुंडागरी कम हुआ है, बढ़ा है। अच्छे अच्छे आदमी मार जा रहे हैं तो गुंडागरी कहाँ? इधर आओ जरा, यहाँ आओ। तो क्या बता रहे हैं? गुंडागर्दी कहाँ गुंडागर्दी? वो तो कह रहे हैं कि कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया गुंडागर्दी। कैसे क्या भाजपा की सरकार में कि लाश जला देता है कोई दूसरा, जिसके घर का होता है वो जलाता ही नहीं? क्यों कोई कह रहा है, कौन कह रहा है? वो गलत बात है। क्या नाम? हमारा नाम राजू कुमार पांडे और राजू बाबा। पांडे जी बताइए, बाबा कहें कि पांडे जी कहें? पांडे जी कहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो बाबा कहेंगे, है ना? तो बाबा कहेंगे इसलिए क्योंकि बाबा, ये बताइए यही लोकल रहने वाले? हाँ, यही परानापुर के रहने वाले हैं। करते क्या? रेलवे स्टेशन पे पलेदारी करते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये बताइए, चली है तब से हम स्टेशन पे ही हैं। तो ये बताइए, आपसे पूछे, यहाँ पर एक तरफ धर्मेंद्र यादव है, दूसरी तरफ निरहुआ हैं, क्या माहौल चल रहा है? माहौल देखिए, निरहुआ को तो जीतना ही है, उसमें कोई काट नहीं सकता। रमाकांत यादव थे बीजेपी में, तब भी उन्हीं को जिताया गया, और फिर उसके बाद जब वो पार्टी छोड़ दिए तब भी जो बीजेपी से आया उसको जीत। मान लीजिए यहीं की जनता थी ना, जब मुलायम सिंह यहाँ से आकर लड़ने के लगे तो रमाकांत को हरा दिए, लेकिन उसका देखिए कौन कौन वोट दिया था रिकॉर्ड। निरहुआ क्या किए? निरहुआ तो बहुत बढ़िया काम किए हैं, कम से कम गुंडाई भी कम हो गई है। नहीं तो मान लीजिए आपका मकान हड़पना है, सपा के राज में हड़प गया था कब थे। क्या कहने रहुआ के? धर्मेंद्र यादव तो कह रहे हैं, अभी हम कुछ लोग से बात कर रहे थे तो कुछ थे सपा सपोर्टर, तो वो कह रहे थे धर्मेंद्र यादव अखिलेश यादव जितना यहाँ काम कर दिए उतना कोई कर नहीं पाए। हमारे तो कुछ नहीं किए हैं, किसके लिए किए हैं? मुलायम किए हैं तो मुलायम भी तो कांग्रेस से पैदा हुए थे, तुमने उसके बाद अपनी पार्टी बनाए। चाहे लाल हुए हैं वो भी तो कांग्रेस से पैदा हुए तो अपनी पार्टी बनाए। मतलब यहाँ पर खाली निरहुआ चाहिए कि वहाँ पर भी मोदी चाहिए? नहीं, हम जैसे वहाँ मोदी चाहिए, लखनऊ में योगी चाहिए, यहाँ निरहुआ चाहिए। योगी के डर से गुंडई कम हुई कि निरहुआ के डर से कम? योगी के नाते कम हुई। आना तो निरहुआ को है ना? तो क्या हुआ, भाई तो है। क्या करते हैं साहब? हम तो भैया ये ऑटो चलाते हैं। बहुत बढ़िया काम करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा प्रभाकर प्रसाद। प्रभाकर जी, कैसा चल रहा है सब हिसाब किताब? ऑटो ऑटो चला रहे हैं सब, घर बार बढ़िया चल रहा है? हाँ भाई, सब चल ही रहा है, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्चुअल हम लोग भाई लाठगाड़ क्षेत्र के हैं, और वैसे हम ये चाहते हैं कि इस बार हमारे निरहू जी निकल जाएं। हमारा सपोर्टर है, हम पूरे परिवार से सपोर्ट कर रहे हैं कि वो निकल जाएं यहाँ से। हाँ जी, में से क्या खास बात है कि उनको निकालना चाह रहे हैं? मतलब ये कि इन्होंने रेलवे स्टेशन में इतना काम कर दिया है, रेलवे स्टेशन में काम इतना किया है, और चूंकि और दूसरी बात रह गई कि पूरा ये नाला भरा था, रोड पे चलने लायक हम लोगों की कोई व्यवस्था नहीं थी। यही आदमी जब ये सब व्यवस्था हुई तो ये आदमी इतना बढ़िया काम किया है कि हम लोग खुश हैं। और वो आदमी इतना काम बढ़िया किया है कि हमसे उसे खुश हैं, इसलिए हम लोग भाई उनके साथ हैं। हाँ जी, लेकिन एक मामला ये पड़ जाता है कि भैया मुलायम सिंह यादव यहाँ से रहे, जो मुख्यमंत्री रहे हैं,
है ना। और अब उन्हीं के जो भतीजे हैं धर्मेंद्र यादव, वो उतारे जा रहे हैं, अब उनसे आप लोग को क्या बैर है? वो अखिलेश यादव भी यहाँ से थे, बताइए पूरा यादव परिवार का जो सबसे मेन आदमी था, पहले मुलायम सिंह फिर अखिलेश यादव, सबको लेकर चलते हैं, जात बिरादर नहीं देखते थे मुलायम जी, जात बिरादर सबको देखते हैं, ठाकुर बाबन यादव सबको लेकर चलते थे भाई, इन सब जो अखिलेश आए हैं वो खाली बिरादरी लेकर चलते हैं, हाँ वो पूरा परिवार के लेकर चलते थे मुलायम यादव, वो अच्छा आदमी थे, हाँ वो अच्छा आदमी थे, मुलायम से बैर नहीं अखिलेश से, हाँ अखिलेश से बैर है तो बताइए। और अखिलेश से ये कह रहे हैं कि अखिलेश से बैर है, मुलायम सिंह यादव से बैर नहीं है, लेकिन जब होता क्या है कि एक जो पूर्व मुख्यमंत्री हो वो यहाँ से चुनाव कह रहा था कि हम नहीं लड़ेंगे, ऐसा क्या वजह हो गई भाई? पूर्व मुख्यमंत्री रहे वो पीछे हट गए, आप लोग ने कैसी नाराजगी जता दी उनके साथ कि भाई 2019 में इतने बड़े मार्जिन से जीते थे, बोलने दीजिए बाबू साहब एक मिनट रुकिए। सबसे बड़ी बात यह कि आप अगर हमें नाराजगी जताएंगे तो इसलिए हम आपको नाराजगी जताएंगे, और हमारे समाज में निरहू जब आए हैं तो इसलिए कि हमारे समाज की सेवा किए हैं, उनकी सेवा हम करेंगे। इस बार आए पूरे रेलवे स्टेशन पे पूरी सड़क की व्यवस्था सारे उन्होंने किया है, इसके पहले कोई किया नहीं है, कोई भी सरकार रही हुई है कोई नहीं किया है, हम लोग उनके साथ हैं। क्या नाम हुआ? रमेश कुमार। रमेश जी क्या करते हैं? ढलाई काम करता हूँ जलंधर सिटी में। ढलाई काम? ढलाई का। ढलाई काम तो कुछ बताइए, ढलाई वगैरह कैसे करते हो, कितना कमा लेते हो? वो महीने का 12-13 हज़ार बन जाता है। हाँ सब बढ़िया चल रहा है? सब बढ़िया चलता है। तो अभी चुनाव आ रहा है, आपको प्रधानमंत्री चुनना है, लेकिन प्रधानमंत्री चुनाव तभी जाएगा जब यहाँ पर जिसके अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता जिताएंगे तब वो वहाँ पर चुना जाएगा प्रधानमंत्री। योगी रहेंगे। योगी तो मुख्यमंत्री हो गए भाई, योगी कैसे? वही रहेंगे। यहाँ से किसको, कहाँ रहने वाले हैं? यूपी के आजमगढ़ के हैं। आजमगढ़ के हैं तो आजमगढ़ से आप सरदार बाजार पड़ता है। भाजपा से हम ये कह रहे हैं कि निरहुआ मैदान में हैं और दूसरी तरफ धर्मेंद्र यादव मैदान में हैं। वो बेकार हैं धर्मेंद्र यादव। हाँ सर देखिए, मुख्यमंत्री रहते हुए पूरी हम लोगों की जिंदगी बीत गई और सपा के अलावा कोई यहाँ पर सांसद नहीं बना, और आज तक जब उनके राज्य में वो मुख्यमंत्री भी रहे और सांसद भी रहे, लेकिन आजमगढ़ को कभी उसने देखा नहीं, कभी नहीं देखा। और ये विकास के करने का क्या कहा जाए, ये तो ऐसा हो गया था कि उस टाइम में अभी तो कुछ दिन ही पहले अभी ये मारपीट लड़ाई झगड़ा छिनैती चोरी डकैती ये सब कुछ ही दिन पहले अभी बंद हुआ है बीजेपी के आने के बाद ही, नहीं तो सपा के रहते हुए तो यहाँ गरीबों का बहन बेटियाँ और गरीब लोगों का रहना ही दूसर बात था, किसी की ज़मीनें हड़प लेना, किसी को मार करके ख़त्म कर देना, अब तो ये कम हो गया, बाकी रह गया विकास का। तो अब देख रहे हैं 2-2.5 साल के अंदर में जितना आजमगढ़ विकास किया उतना तो आज तक कभी नहीं किया था, कभी नहीं किया था। जिस भी चीज़ में आप पूछें उस चीज़ों में विकास हुआ है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा हुआ है। आगे उनसे यही हमारी उम्मीद है कि अगर आपको यहाँ से सांसद रहना है, रहो साहब को बोल रहे हैं, अगर उनको सांसद रहना है तो आजमगढ़ की तरफ नज़र उठा करके देख करके और विकास की प्रगति पर लेकर के चलें, हमेशा वही रहेंगे जैसे सपा रहे हैं, जैसे सपा पूरी ज़िंदगी रहा है वैसे ही ये निरहू रहेंगे बीजेपी। अगर थोड़ा भी इनकी नज़र अगर थोड़े भी पलटी ना तो आदमियों की नज़र क्या हाथ भी पलट जाएगा। तो बस हम उनसे यही अनुरोध करते हैं कि आप आजमगढ़ में पहली बार आए, आपको यहाँ की जनता ने आपको बहुत ऊंचा उठा दिया, सर पे बिठाया, लेकिन उसका आप अगर कदर करेंगे तब तो आप रहेंगे सपा की तरह पूरी ज़िंदगी, अगर कदर नहीं किए जनता की तो आपको भी पलट करके आपको भी ऐसा कर देंगे कि ज़िंदगी में कभी आ ही नहीं पाएंगे। ये बढ़िया बात है कि भाई जो नेता हमारे लिए काम करे वो यहाँ पर रहे, और बाकी वो चाहे भाजपा को हो चाहे सपा का हो किसी भी पार्टी का हो यहाँ के लोगों का ये कहना है। चलिए अभी कुछ बोलना चाह रहे हैं, इसके बाद सवाल पलटेंगे। जी बोलिए क्या? हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए सम्मानित नेता जैसे मान लीजिए रमाकांत लड़े यहाँ से, फिर मुलायम आ गए लड़ने के लिए, कुछ भी हो जाए लेकिन आप गुटखा नहीं थूकेंगे? दे रहे हैं, चलिए ठीक है, गुटखा भी खाना बंद कर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए मुलायम सिंह जब आ गए लड़ने के लिए तो रमाकांत को लोग हरा दिए बीजेपी से,
आखिर क्यों, सम्मानित नेता वो थे तो राम नरेश भी तो लड़ते थे, तो वो भी तो सम्मानित नेता थे, मुख्यमंत्री वो भी तो थे कांग्रेस के, क्यों उनको हरा देते थे, उनके सामने कुकुर बिलार खड़ा होता था वो हार जाते थे, क्यों आखिर, इसका भी तो कारण है, वो भी तो सम्मानित नेता थे कि नहीं। अभी यहाँ पर निरहुआ को लेकर के और धर्मेंद्र यादव को लेकर के तमाम बातचीत हुई, और इसके बाद हम थोड़ी बात करेंगे जो लोगों की रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, जैसे महंगाई हो गया, बेरोज़गारी हो गया, इन तमाम चीज़ों को लेकर के भी, क्योंकि ये ऐसी जगह है यहाँ पर कमाने वाले लोग हैं, कोई टिर्री चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई हर चीज़ अपना अपना अलग अलग लोग चीज़ें चलाते हैं, तो उनसे बात करेंगे महंगाई बेरोज़गारी के बारे में। लेकिन उससे पहले एक मिनट मांग रहे हैं, एक मिनट आपको। हाँ भैया, ये बताइए कि हम लोग रेलवे स्टेशन पर आते हैं लाठघाट से कमाने खाने के लिए, बेरोज़गार आदमी हैं, तो चूँकि यहाँ सारी व्यवस्था यहाँ की मतलब निःशुल्क व्यवस्था नहीं है, पैसे लेते हैं लोग, तो बताइए कि ये निरहू जब आए तो निरहू की यहाँ सारी व्यवस्था हो गई, सारी उन्होंने रेलवे स्टेशन को व्यवस्था बनाया, सड़क की व्यवस्था बनाया, हर व्यवस्था हुई, अब बनाने के बावजूद भी जो है कि आज हम लोग आते तो हम लोग की कदर नहीं होती है, तो बताइए कि हम लोग क्या, हम लोग की व्यवस्था बनाए, हम लोग सड़क छाप आदमी हैं, हम लोग कोई व्यवस्था नहीं है, हम लोग ड्राइवर आदमी हैं, क्या क्या मतलब निकलता है, तो कोई इसका विकल्प निकलेगा तभी कोई बात होगी, व्यवस्था आप लोग चाहते नहीं, हम लोग तो यही चाह रहे हैं कि यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल जो है कि मतलब टाउन एरिया की व्यवस्था खत्म हो जाए, पैसे की व्यवस्था जो है, यहाँ की व्यवस्था खत्म हो जाए, ठीका जो होता है लोग ठीका ले रहे हैं, तो यहाँ की व्यवस्था खत्म हो जाए। आपकी बात लोग सुनेंगे, लोग जानेंगे और सरकार तक भी आपकी बात पहुँचेगी, ऐसा नहीं। अगर आपने कैमरे में बोला, क्या नाम हुआ भाई जान? जान सलमान खान हो, वैसे ही बॉडी वॉडी है देख लो इनकी, तो ये बताओ क्या करते हो? ऑटो चलाते हैं। क्या बढ़िया चल रहा है हिसाब किताब ऑटो चला करके? चल रहा है भाई। अभी अगर पूछे चुनावी माहौल क्या चल रहा है यहाँ पर, धर्मेंद्र यादव और निरहुआ है मैदान में, और उधर बसपा कह रही कि हम डंपिंग भी मैदान में ले आएंगे। डंपिंग नाम सुने हो? अकबर डंपिंग है, नहीं सुने हो? चलो कोई बात नहीं, बताओ क्या माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है, किसको जीतना चाहिए? अब उसमें कोई बता नहीं सकता भाई कौन जीतेगा, जिसकी किस्मत रहेगा वो ले जाएगा, अब कोई लिख के थोड़ी नहीं आया है, आप बोलेंगे निरहुआ जी जीतेगा, आप बोलेंगे वो जीतेगा, आप बोलेंगे वो जीतेगा, अब जिसकी किस्मत रहेगा वो ले जाएगा भाई। इस पे ये जो उंगली है ये कहाँ जाके दबेगी, कि ये मत बताना, ये बताना कि जब ये उंगली लेकर जाओगे ईवीएम पैसे रखोगे तो दिमाग में क्या चल रहा होगा, मुद्दा क्या होगा, पढ़ाई होगा, बेरोजगारी होगा, महंगाई होगा, शिक्षा होगा? महंगाई तो बहुत है, रोजगारी है नहीं, कंपनी कोई है नहीं, आदमी रिक्शा चला रहा है, कोई टेम्पू चला रहा है, कोई बैटरी चला रहा है, और है ही क्या आजमगढ़ में, कोई कंपनी पनी थोड़ी ना है कि आदमी कारखाना में जाएगा काम करेगा। सब बता रहे हैं कि निरहुआ आए तो बड़ा यहाँ पर बढ़िया हिसाब किताब होगी, आप कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो क्यों ना कौन होगा, ये आदमी सोचा था कि कोई कंपनी पनी पड़ जा, आदमी जो रोजगार रोजगारी घूम रहे हैं तो उसमें आदमी काम करे, रोजगार की दिक्कत। हाँ, महंगाई लग रही क्या? तो महंगाई तो कौन इसी चीज में महंगाई नहीं है, तो महंगाई है तो भी किराया भी ज्यादा लेते होगे, किराया ज्यादा लेते हो, वही पुराना भाड़ा दे रहे हैं, किराया कहाँ दे रहे हैं? मतलब किराया नहीं बढ़ा है, ऐसे महंगाई बढ़ गई, तेल का दाम बढ़ा लेकिन सवारी का दाम नहीं बढ़ा, सवारी का दाम नहीं बढ़ा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर आनंद है। ये बताओ हंस कह रहे हो, कोई क्या क्यों इतना हंस रहे हो? मैं यही हंस रहा हूँ कि सब लोग नहीं रहूँगी या धर्मेंद्र यादव की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं सोच रहा है कि शिक्षा कहाँ गया, आज डेट में यहाँ पर शिक्षा कुछ है ही नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं है, पढ़ाई है लेकिन आज कह रहे हैं सब लोग सोर्स नहीं है, लेकिन अभी यूपी कांस्टेबल का आया था वैकेंसी, जैसे आप लोग देख रहे हैं इतने युवा भरे थे, एक सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सबसे बड़ी बात है सिलेक्शन पे युवा सबसे ज़्यादा बेकार हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ना घर से कोई आर्थिक स्थिति मिल रही है, जो कमज़ोर है कमज़ोर होते जा रहा है, इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, सब लोग युवा चुनाव सभी युवा लड़ रहे हैं, जो नहीं लड़ना है वो भी लड़ रहा है, जो कुछ कुछ नहीं जानता वो भी लड़ रहा है, उस माहौल में उतर रहा है, लेकिन बस जीत की बात नहीं है, बात ये है कि युवाओं के बारे में कौन सोच रहा है, आज की डेट में कोई नहीं सोच रहा है, बुजुर्ग पिता है कब तक सहारा बना रहेगा, जब तक है तब तक है, और जब जिसके पिता नहीं है वो जानता है बच्चा ना क्या करे, पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करते वक्त जो कुछ इनकम हो रहा है उसे अपना भी देख रहा है, घर भी चला रहा है, लेकिन कोई वैकेंसी जो आ रही है, इतना बड़ा यूपीएससी का वैकेंसी आया था उसमें भी नकल हो जा रही है, कौन करवा रहा है आखिर में, यही ना करवा रही है, अगर ये
ऐसा अखिलेश जब थे, मैं कह रहा हूँ अखिलेश की सपोर्टर नहीं हूँ मैं, किसी नेता सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन अखिलेश जी थे ये करते थे कि कम से कम रोजगार सबको देते थे। वैकेंसी जितना निकली सभी देखी, यूपी कांस्टेबल में जितने भी 10-12 पास हुए थे सभी को मिला है। यहाँ पे कोई नहीं कह सकता है कि मुझे नौकरी नहीं मिली। लेकिन अभी हमको इस डेट में जब से ये बीजेपी सरकार आई है, मुझे ये बता दे कि सरकारी नौकरी मिल कहाँ रही है, क्यों नहीं मिली, इसका रीजन क्या है, क्यों दे नहीं रहे हैं। 2014 में जब ये आए थे तो मोदी सरकार बोली थी कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, और जब अभी पूछो तो वो दावा करती है भाई कि हमने नौकरी दी, और आप कह रहे हो नौकरी नहीं। पहले बताओ करते क्या? मैं अभी पढ़ाता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, शिक्षक भी हो। शिक्षक हूँ। मोदी सरकार तो बोलती है कि हम नौकरी दे रहे हैं और आप कह रहे हो दे नहीं रही। कहाँ नौकरी दे रही है? 10,000 बताइए, जो वो बीएससी एमएससी कर रहा है वो 10,000 की प्राइवेट नौकरी करेगा, उससे अच्छा वो पढ़ा ही नहीं रहता। अभी भी ऐसे भी अगर कहीं जाते हैं दुकान पे चाहे कहीं रहते हैं तो 8,000, 9,000, 10,000 ऐसे पालेंगे। ऑटो जो चला रहे हैं क्या वो पढ़े, कोई उसमें नहीं पढ़ा होगा बीएससी बीए होने क्या मतलब, पढ़ने का क्या मतलब कि आप 10,000 की नौकरी करें। अब ये आया था कुछ दिन पहले कोरोना आया था, उसके बाद ये आया, तो उसके बाद कहें कि राशन दे रहे हैं सबको राशन। आप बताइए एक बंद में 4 किलो चावल 4 किलो आटा दे देने से आपका जीवन व्यतीत हो जाएगा? आपके घर में 5 लोग हैं तो 4 किलो राशन है, 4 किलो चावल है, 4 किलो दाल है, चाहे चीनी जो भी मिल रहा उससे आपका पेट भर जाएगा। हाँ ये सबसे इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, मतलब चुनावी चिंग चल रहा है। लेकिन ये पहले सबसे ज़्यादा दिक्कत ये कि बुजुर्ग लोग इस पर ज़्यादा फोकस करें कि हमें जब हम वोट देने जाएँ तो हम किसको दें, ये सोचे देखें कि हमारे लिए कौन आगे है। अभी देखिए ये यार नोट आया था, नोटबंदी भी आया था, नोट भी चेंज हो, हर चीज़ बस चेंज हो रहा है लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, सुधार नहीं हो रहा है। हम कह रहे हैं कि मोदी हम डिजिटल हो रहा है, इंडिया देश डिजिटल हो, मैं कह रहा हूँ इंडिया जितना आगे नहीं जाने के और पीछे होती जा रही है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि नौकरी, किसी को नौकरी मिल ही नहीं रही है, बच्चे बेरोजगार हैं। हम अगर बीएससी एमएससी एमएड पर पीएचडी करके क्या करेंगे कि हम 10,000 की नौकरी करेंगे? अभी हम ही खुद हैं 3 बार 2 बार यूपी कांस्टेबल दिए, यूपीएससी दिए, उसमें भी रिजल्ट नहीं हो रहा है। जब रिजल्ट कब होगा? जब आपका कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्ट कहाँ से होगा? कोई बाहर जाके तैयारी करे कब तक तैयारी करेगा? 2 साल जो सामर्थ है जिसके पिता वो करवा देंगे, और जिसके पिता सामर्थ नहीं है वो क्या करेंगे, वो कहाँ से? योगी जी बोल रहे हैं कि जिसने पेपर लीक करवा उसको छोड़ेंगे नहीं, पेपर लीक करवाने, ये हर बार का यही है। अभी आप देख लीजिए कुछ देर पहले ये निकला था यूपी पेट करके कुछ निकला था, उसमें भी हो गया था, हर चीज़ में तो घोटाला हो जा रहा है। पेपर लीक करवा आखिर कौन रहा है, पहले क्यों नहीं होता था? जब से अगर ये आई है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तब से कितने लोग की नौकरी दी है। मैं कह रहा हूँ ठीक है बच्चे अब ये कर दिए हैं, लेकिन ये तो उनके टैलेंट मिलना चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि जब आप वैकेंसी निकालेंगे नहीं तो बच्चे कहाँ से देंगे? अभी देख लीजिए 18 से 22 ईयर तक यूपी पुलिस था, अब जिसका उम्र ख़त्म हो गया, कोरोना आया था 2 साल का छूट दे रहे, उसी में ट्रिपल सी ए डी सी ए पता नहीं क्या क्या लगा दे रहे हैं, आधे लोग को फिजिकल में ही हटा दे रहे हैं। आप कुछ मौका देंगे नहीं तो बच्चे कहाँ से करेंगे? एयरफोर्स का देखिए 3 साल का, अब बताइए जो बचपन से जाएगा तैयारी करके 2 साल में मर जाएगा तो 5 साल के लिए खाली करेगा, बाकी दिन कहाँ गया, और उसके बाद क्या करेगा? फिर वही अपना बिजनेस खोलेगा, 10,000 का धंधा करेगा, दुकान चलाएगा, उससे काम चल जाएगा। मतलब नौकरी को लेकर के परेशान? हाँ मैं नौकरी लिए सब युवाओं के लिए परेशान, मैं अपने लिए नहीं, खासकर आज इतने लड़के सुबह में 3 बजे 4 बजे अपना रूटीन करके इतना दौड़ रहे, मेहनत कर रहे। अमीर लोग तो आज कैसे भी जी लेंगे, हर जगह अमीर लोग की कमी नहीं है, लेकिन गरीब को कौन देख रहा है? मध भी चला ले रहा है, उच्च भी चला ले रहा है, लेकिन निम्न को कौन देख रहा है? निम्न अभी यहाँ पर सोया है, अमीर जा रहा है तो पूछेगा भी नहीं तू खाया कि नहीं खाया, लेकिन अभी गरीब गरीब के साथ रहेगा, तुरंत दोस्ती कर लेगा। तो ये बताओ कि ये जो बता रहे हो कि नौकरी नहीं मिल रही है, अमीर गरीब वाला मामला बता रहे हो, लेकिन जब तक सरकार, ये सरकार हमेशा कहती कि ऐसा नहीं है, गरीब को और अमीर को एक नज़र से देखा जाता है, वह सरकार कहती कि हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो दरअसल गरीबी ही है, गरीबी को ही जो है सबसे पहले मिटाना है, तो गरीबी तो ख़त्म कर रही है सरकार, लगातार कहती है। मोदी जी जब कोरोना के अभी जब अभी उसकी बात कर रहे थे, गरीबी को दबा रही है, गरीबी को क्या करिए ना, गरीबी को ये कर रही है कि निम्न से उसको जड़ सटा रही है, पता भी नहीं चल रहा है गरीबी, इसलिए पता नहीं चल रहा ना। अभी आप जाइए रास्ते पे देखिए, गरीब गरीब का मदद कर देता है, लेकिन अभी अभी गरीब अगर कोई गिरा है 10 रुपये लगाने के बाद तो सभी पीछे हो जाएंगे जितने अमीर है, लेकिन गरीब वाला रहेगा 2-2 रुपये इकट्ठा करके सबको दे देगा, और कह रहे हैं गरीबी हम खत्म करें। क्या नाम हो भैया? जितेंद्र कुमार। कुमार जी क्या लगता है इस बार चुनावी माहौल क्या है, और कुछ जब वोट करने जाएंगे तो दिमाग में मुद्दा क्या होगा ये बताइए। मुद्दा देखिए, भाजपा सरकार में जो वैकेंसी एकदम नहीं आ रही है। अब देखिए पुलिस का है तो उसमें पेपर लीक चीज, शिक्षा विभाग में चीज जो नया आयोग बनाए हैं उनको सदस्य आयोग गठन में भी 2 साल लग गया। टीजीटी की वैकेंसी 2022 की आई है,
अब तक उसका नाम जिक्र नहीं है कि होगी कि नहीं होगी। जिसका पेपर हो रहा है टेट का हुआ था, उसमें पेपर लीक। थोड़ा महंगाई को लेकर के बात आपसे कर रहे थे, और जब महंगाई की बात होती है तो बात है, जब बेरोजगार आदमी रहेगा तो महंगाई, अगर कोई चीज़ अगर 10 रुपये में मिलेगी तो भी उसको महंगा लगेगा। अगर वो नौकरी कर रहा है चाहे कमा रहा है, उसकी कमाई है तो 20 रुपये है तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए वैकेंसी ये कर ही नहीं रहे हैं। आप क्या करते हैं? हम भी ऑटो चलाते हैं। क्या पढ़ लिख कर हम भी ऑटो चलाते हैं। आपने पढ़ाई की? नहीं पढ़ाई की। हम भी बीए किए हुए हैं। तो बीए करने के बाद किस साल में आपने बीए कर लिया? 2003 में। लेकिन अगर तब थी, यानी कि 2003 में आपने बीए किया, उसके बाद नौकरी के लिए तैयारी की कि नहीं? पढ़े हम चले गए विदेश। हाँ, तो हम उसमें विदेश रहे, फिर चले आए। वहाँ भी गड़बड़ रहता है, वहाँ की सरकार जो है जैसे मजदूरों को ज़्यादा काम कराते हैं, पैसा कम देते हैं, इसीलिए हम चले आए। वहाँ के हिसाब से, विदेश के हिसाब से, अपने यहाँ हिसाब किताब बढ़िया है कि गड़बड़ है? भाई वहाँ विकसित देश है ना, ये विकासशील है। कौन से देश? दुबई। दुबई गए थे तो जब यहाँ पर वापस लौटे तो नौकरी के लिए तैयार नहीं हुए? आपकी नौकरी करेंगे, आपका सीधे दिमाग गया कि ऑटो रिक्शा चला? देखिए हमारे पास प्रॉब्लम थी, खर्च चलाना था, माँ बाप को खिलाना था, सब कुछ करना है तो कुछ करना पड़ेगा ना। तैयारी करेंगे तो अब सब क्या खाएंगे परिवार के लिए? बच्चे पढ़ रहे हैं अभी? हाँ, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, किस क्लास में हैं अभी? तो UKG 1 में है। छोटे हैं। तो अगर ये आपको रोज़गार का और नौकरी का और महंगाई की इतनी समस्या है तो आपको क्या लग रहा है? 10 साल हो गए, क्या रोज़गार दे रहे हैं? सब तो प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं, बिजली विभाग प्राइवेट, रेलवे प्राइवेट, एयरपोर्ट प्राइवेट, सब प्राइवेट करते, नौकरी दे कहाँ रहे हैं? इसका मतलब यही है कि आरक्षण ख़त्म करो, सब कंपनी को दे दो, यही है ना। नाम क्या हुआ बताओ? मोनू। ये बताओ, वोट देने जाते हो कि नहीं? नहीं। कहाँ नहीं जाते भैया? वोटर लिस्ट में नंबर वन आ। क्यों नहीं डाल? वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। क्यों नहीं है? अब कहे नहीं। राशन लेते हो? राशन तो सब माई बाप के ना, अरे कार्ड पे नाम है ना। बताओ, अगर वोट नहीं डालोगे, राशन लोगे, तब तो फिर गलत आदमी हो भाई। फिर भैया वोटर नंबर वन आ वाला सब नाम कटवा देते हैं सब वहाँ वाले। कहे नहीं कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम डालो, हम भी वोट देंगे? कहते हैं बाकी नहीं जाने का मन करता है वोट। के लिए अरे बहुत साल से नाम आ रहे नहीं वोट। मन नमोना रहला सारा जाके उम्र करी तो करी क्या करी, घमो में जाके मरी हो मन भाई। वोट डरबा तो फिर प्रधानमंत्री चुना जाए। अच्छा भैया ठीक है, जाके अब कब करे डरबा की ना। हाँ डाले जाए, बोलो कि वोट डालेंगे कैमरे में। ठीक है भैया, वोट डालेंगे, जरूर डालेंगे कैमरे पे। बोलो कि सब देश में जो वोटर डालने के लायक हैं, वोट डालने के लायक हैं, सब लोग वोट करें। मतलब समझना बोलो कि हर आदमी को वोट डालना चाहिए, 18 साल से ऊपर जो है। 18 साल से जो ऊपर है सबको वोट डालना चाहिए। जरूर डालना चाहिए। वोट हमारा अधिकार है। वोट डाला करो। ठीक, अभी और कुछ लोग महंगाई को लेकर के बात करेंगे। चलो दोस्त, आपसे महंगाई को लेकर के थोड़ी सी बात कर लेंगे, और जानना ये है कि आपको लग रहा है कि पहले से बेहतर हुआ है सब कुछ, कि महंगाई बढ़ी है? और इस सरकार जब बात करी जाती है कि महंगाई बढ़ी, तो ये लोग कहते हैं कि अगर महंगाई बढ़ी है तो लोगों की आमदनी भी बढ़ी है, इस वजह से महंगाई, और समय के साथ जब समय बीतता है तो महंगाई और आमदनी तो बढ़ती ही। महंगाई तो बढ़ी है लेकिन आमदनी नहीं बढ़ी है। सही तो ये मायने में है कि आज के डेट में महंगाई चरम सीमा पर है, हर चीज़ में बढ़ोतरी हो गई, लेकिन बेरोज़गारी इतनी है। जब तक आदमी के पास, व्यक्ति के पास पैसे नहीं रहेंगे, तो जिसके पास महंगाई है, महंगाई का फ़ायदा बस आज के डेट में अमीर लोग उठा रहे हैं और कोई नहीं। नंबादे को देख रहा है कोई, ननिम को देख रहा है। महंगाई है, महंगाई तो बहुत ज़्यादा, लेकिन जब महंगाई ख़त्म कब होगी? जब सबको रोज़गार मिलेगा। पहली बात, मेरा मकसद तो ये है, जब रोज़गार नहीं मिलेगा तो महंगाई तो बढ़ेगी ही। अब महंगाई बढ़ेगी तो लोग भटकेंगे इधर उधर। आज देख रहे हैं तमाम एक्सीडेंट हो रहा है, हर कुछ ना कुछ, हर जगह दुर्घटनाएँ हो रही। उसका सबसे बड़ा है रीज़न हम लोग की युवाओं की कमी। आजकल युवा देख रहे हैं कि हर जगह खुदकुशी हो रही है, क्या करेंगे जब मजबूरी में, जब कुछ नहीं मिले, घर से जा रहे हैं 5 साल तैयारी भी कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, घर पूछ रहे हैं कि क्या किए, कुछ नहीं किए, तो लज्जा के मारे अपना
खुदकुशी कर रहे हैं और इसका फ़ायदा इस पर किसी को नज़र जा ही नहीं रहा है कि लोग इतने परेशान हैं, बच्चे कहाँ क्या जाएंगे, कोई दिक्कत ही है नहीं। ये तमाम जनता थी यहाँ पर आज़मगढ़ रेलवे स्टेशन के पास, हमने इन लोगों से बात की और सबके अपने अपने अलग अलग तर्क हैं। कोई निरहुआ यादव जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार हैं उनको सपोर्ट कर रहा है, तो कोई अखिलेश यादव की तरफ से यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार हैं यानी धर्मेंद्र यादव उनको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इनके मुद्दे बढ़िया हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर महंगाई बेरोज़गारी के अलावा जो बेसिक मुद्दे हैं यानी ज़मीनी मुद्दे उनकी भी बात कर रहे हैं। यहाँ पर युवाओं ने भी बोला कि भाई हमें रोज़गार चाहिए, हमें महंगाई से निजात चाहिए और जो नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं यानी कि जो UPP जो पेपर लीक हुए थे उनकी भी बात इन लोगों ने की, उसके बारे में भी बताया और जो कुछ बुज़ुर्गों ने भी यहाँ पर बात की। तो सबके अपने अपने अलग अलग तर्क हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि जब चुनाव आते हैं तो कौन सा शख्स कौन सी बटन दबाता है और प्रधानमंत्री चुनने के लिए अपने उम्मीदवारों को किस तरह से जिताता है, किस तरह से तैयारियां होती हैं। हालांकि इतना ज़रूर कहेंगे कि जो भी हो बेहतर हो, आज़मगढ़ का विकास हो ताकि यहाँ के लोग विकासशील अपना जो राज्य है, जो अपना ज़िला है उसे देख पाएँ और खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर पाएँ। फिलहाल आज़मगढ़ रेलवे स्टेशन के पास से रविशंकर के साथ गौरव।